अच्छा सुनिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टडी रिलेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना खाली स्थान की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, पणजी किसकी राजधानी है? पणजी किसकी राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।